फ्रेंड्स बिस्कुट है, अब तमाशा देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं हम लोग झाड़ग्राम का, मैं जा रहा हूँ झाड़ग्राम चिल्कीगढ़, वहाँ पर एक मंदिर है। मैं बहुत साल पहले गया था, कम से कम 7-8 साल पहले, तो फिर आज जाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पर जाके आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का, और मेरे साथ सौभिक भी है। हम लोग थोड़ा सा निकल चुके हैं, ठीक है, सौभिक मेरे साथ है। और आज संडे, संडे के दिन तो आप लोग को पता है मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। मैं पहले से सोच कर रखता हूँ कि कहाँ जाना है, तो निकल पड़ते। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर दे फिर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत दूर आ गए घर से कम 10-12 किलोमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चाय के लिए रुके हम लोग भाई के दुकान पर। कभी भी झाड़ग्राम जाते हैं या झाड़ग्राम से कहीं भी जाते हैं आगे, तो यहीं पर आके हम लोग रुकते हैं, यहीं पे चाय पीते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग आके रुकते हैं, यहीं पे चाय पीते हैं, क्योंकि शुरू से जब से इनका दुकान हुआ है तब से हम लोग कभी भी झाड़ग्राम जाते हैं तो यहीं पे नाश्ता वास्ता करते हैं। सब सामान मिलता है खाने का, आपका नाश्ता का हर एक सामान मिलेगा। तो कभी भी आप लोग झाड़ग्राम जाइएगा तो यहाँ पर आइएगा इनके दुकान पर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा चाय पीते हैं, अंकल चाय लेके आ गए, तो आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ विजिट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये हम लोग झाड़ग्राम जाते हैं, ढेड़ुआ क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद ये रास्ता आता है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला, बहुत ही हालत खराब है इस रास्ता का। तो इस रास्ता को क्रॉस करने में ना मतलब दिमाग खराब हो जाता है। 3 किलोमीटर है एकदम कोयता तक ढेड़ुआ से लेकर। अभी काम चल रहा है, बहुत जल्द काम खत्म भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग झाड़ग्राम आ चुके हैं और झाड़ग्राम का फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस करने के बाद उसके बाद हम लोग चिल्कीगढ़ पहुंचते हैं और वहां का भी आपको व्यू दिखाते हैं पूरा। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली बहुत सामने पहुंच गए हैं, अब हम लोग थोड़ा ही देर में पहुंचने वाले हैं कनक मंदिर के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं, आप ये आपका एंट्री पॉइंट है, देख सकते होंगे यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और इधर से आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, तो वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स। इसके अंदर और एक गेट है, ऊपर दिख रहे हैं कितना अच्छा ऊपर का लुक है। और जो सामने दिख रहा है वहीं से हम लोग एंट्री करना है, और जहाँ से 4-व्हीलर आया ना तो अंदर पार्किंग है। तो यहाँ पर आपको पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है, बाइक का 20 रुपये है, ठीक है, जैसा गाड़ी रखेगा। 4-व्हीलर का शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ अंदर जाने के लिए मंदिर का ना कोई टिकट नहीं लगता है। अगर अंदर जाना चाहते हैं तो हम लोग अगर यहाँ से एंट्री पॉइंट अभी जो देख रहे हैं यहाँ से एंट्री करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ आपको कोई टिकट नहीं लगता है मंदिर जाने के लिए, कोई टिकट का चार्ज नहीं लगता है, जो लगता है पार्किंग का बस। और चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। मैं इससे पहले 6 साल पहले आया था, अब फिर 6 साल बाद आया, तो चलिए अंदर देखते हैं कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है अंदर का या नहीं हुआ है, मेरे को तो पता नहीं है। तो अंदर चलते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। और दोनों ही साइड पेड़ लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और कम से कम आपको ना एंट्री पॉइंट से जब हम लोग अंदर जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलते अंदर तक जाना पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ आपका घर का कोई फैमिली मेम्बर जाता है, अगर चल नहीं सकता है पैर में प्रॉब्लम है, तो वहाँ टोटो रहता है, आप लोग टोटो ले सकते हैं। और अंदर आते ही आपका देख रहे हैं एक छोटा सा पार्क जैसा बना है बच्चों लोग का खेलने के लिए, यहाँ पर झूला वूला लगा हुआ है। और ओवरऑल आप लोग व्यू पूरा देखते रहिए। और यहाँ पर आइएगा तो बहुत ही बच कर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ, पेड़ के ऊपर या नीचे चारों ही तरफ बंदर रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपके हाथ का सामान आपका पलक झपकते ही लेकर भाग सकते हैं, खाने का सामान ज़्यादातर लेकर चल जाते हैं। सामने में मंदिर दिख रहा होगा, सामने में आप लोग का मंदिर दिख रहा है। ओवरऑल ये अंदर का व्यू है आपका, अंदर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा मंदिर का। पहले सब नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले ये वाला सामने वाला नहीं था। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा पत्थर है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर इन्हीं लोग से इन्हीं सबसे बच के रहना पड़ता है।
थोड़ा सा उन्नीस बीस होता है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, देख रहे मेरा हालत कितना ख़राब हो गया, पूरा पसीना से भीग चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। इसीलिए अगर ब्लॉग बनाना हो तो थोड़ा सा टाइम से निकल के आना पड़ता है, गर्मी में ना हालत ख़राब हो जा रहा है। क्या ब्लॉग बनाए और क्या आप लोग को दिखाए, ऐसे ही मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी को देखो इसका और भी हालत ख़राब हो गया है। थोड़ा सा मस्ती हो जा रहा है क्या, अगर बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो सोचे कि थोड़ा सा ठंडा पिया जाए। और अगर आप लोग भी आइए, ठीक है, यहाँ का तो माहौल आप लोग देख ही रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का, यहाँ का जो परिवेश है ना बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको पूजा का पूरा सामान मिलता है, और हेलमेट लेके घूमने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, तो भैया का दुकान में हेलमेट रख चुके हैं, और थोड़ा सा खाली हाथ हो जाएगा तो घूमने में सही रहेगा। देख रहे एक लगातार सब जितना आपको अगर पूजा वगैरह करना है तो यहाँ से आपको पूरा सामान मिलेगा, पूजा के लिए आपको बाहर से खरीद के लेके आना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अरे हैं तो फिर चलते सामने की तरफ, सामने जाके और भी आपका नज़ारा है, व्यू दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स बिस्कुट है, अब तमाशा देखना, खाली इन लोगों को उत्पाद देखना, वहां पर सब बैठे हैं ना इकट्ठे, खाली देख रहे हैं ना, उन लोगों का एक्शन देखिए, रिएक्शन देख रहे हो ना। खाली रिएक्शन देखे, हाँ सामने मैंने देख रहे केस लिया, देख रहे मस्त केस लिया है सर, जा जा हाला हाथ से ले लिए, हाला पीछे से आया हाथ से लेकर भाग गया, देख रहे ना ना को दे रहे हैं। ले इधर ला, दे देखे खाने के लिए, देख रहे ना मजा आ गया। वो देखो पूरा मेरा पैकेट ही लेके भाग गया है, उसको देखो मेरा पूरा पैकेट ले आके हमला कर रहा है, हमला किया है, पूरा पैकेट ले आके खा रहा है, पीछे से आके लेके चल गया था मेरा पैकेट, पूरा पीछे से आया और झपट्टा मारा, झपट्टा मार के लेके चल गया पीछे से। अरे अरे पैकेट टाइम नहीं है जब ने सबसे हैरानी लगता है इन लोगों को मस्ती देखकर, मतलब आप अगर कुछ सामान लेके जा रहे हो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, अगर थोड़ा सा भी आपका नज़र भटका तो समझ लीजिए कि आपको सामान गया हाथ से, चाहे भगवान का प्रसाद हो या आपका खाने का सामान हो। तो फ्रेंड्स चलिए सामने चलते हैं, वहाँ पर नीचे में और क्या है देखते हैं, हम बहुत दिन बाद आए, भूल भी गए, कुछ याद नहीं है, मेमोरी लॉस। तो चलिए हम लोग हैं, और नीचे में नदी है, तो चलिए नदी के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। यहाँ से आपको नीचे जाना एकदम, तो आखिरी में नदी है वहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं फ्रेंड्स, और यहाँ का भी आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, नीचे में ऐसा कुछ खास नहीं है नीचे में, लेकिन आप लोग आकर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वातावरण है बहुत खूबसूरत है, नीचे में नदी जो है, नदी में भी पानी नहीं है, नदी में थोड़ा बहुत पानी सूख चुका है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ का भी आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। और नीचे का नज़ारा आप लोग देख ही सकते होंगे अभी,
क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम पानी है, सूख चुका है। और ये मंदिर के अंदर का ही इलाका है, यहाँ पे नदी है, एकदम पीछे नीचे के साइड में आना पड़ेगा आपको। ऊपर के साइड तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, और नीचे आने के बाद क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप धूप ज़्यादा नहीं है और आपका बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर छांव है, धूप कम आ रहा है, तो गर्मी भी कम है। बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा है नीचे के साइड में। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग 6 साल पहले आए थे, और एक दोस्त था तो उसी दोस्त के साथ हम लोग आए थे 6 साल पहले, और 6 साल बाद आए हैं तो जितना इम्प्रूवमेंट दिखा अब उतना तो याद नहीं है, उतना याद नहीं है पहले से बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सामने वाला जो था और ये जो मंदिर का फादर वालर है, तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पर देखिए ये भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आप लोग को प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और हमेशा मेरा ऐसे ही चैनल पर नया ब्लॉग आप लोग को मिलता रहेगा। देखिए इसका अच्छे से मैसाज कर रहा है, ठीक है, आपको भी करवाना हो इससे काम अपना तो आ जाइए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो था पूरा कंप्लीट होता है, यहीं पे ख़त्म करते हैं ब्लॉग को आज का। और ओवरऑल व्यू कैसा लगा आप लोग बताइए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए इस भाई को। तो यहाँ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे फिर मुलाकात होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।